चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। विधायकों को खरीदना बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करे। और भ्रष्टाचार का कारण, एकमात्र कारण है गठबंधन की भ्रष्ट। अभी जीता जागता उदाहरण आप देख सकते हैं बिहार के अंदर किस तरह से एक चल रही सरकार को इन लोगों ने, मुख्यमंत्री थे ही तो दोबारा मुख्यमंत्री बनाने की क्या आवश्यकता है। वही हमारा कहना है कि बिहार में सरकार गिर गई है तो ये लूट लूट खसोट जोड़ तोड़ खरीद फरोख का एक जीता जागता होता है किस तरह से गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति अपना बड़ा रूप ले रही है। आज सांसद ऐसे है लोकसभा में जिन पर आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं, संसद में अपराधी और गुंडे चुनाव जीत कर जाएंगे तो देश का विनाश है। तो हिंदू से खतरा है देश को, न मुसलमान से खतरा है देश को, देश बेचने वाले शैतान से खतरा। राजनीति जो है ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है और इसमें क्या कोई सरकार स्थिर हो ही नहीं सकती। जब जोड़ तोड़ के ऑप्शन रहते हैं तो सरकार स्थिर नहीं हो सकती। जोड़ तोड़ के ऑप्शन क्यों होते हैं कि यहाँ जो है बहुमत विधायकों का जोड़ तोड़ से होता है, विधायकों की संख्या से होता है। बहुमत जबकि होना चाहिए जनता का। बिहार में जनता ने पहली बार राजद को पूरा वोट दिया, समर्थन दिया, सबसे अधिक, सबसे बड़ी पार्टी बनी राजद, सबसे अधिक वोट उसे मिले। लेकिन नीतीश कुमार और भाजपा ने जोड़ तोड़ से सरकार उसी की बननी चाहिए। कोई भी पार्टी की सरकार हो या कोई भी सरकारी हो, किसी भी पार्टी से हो, जिसके वोट ज़्यादा हो उसको ही सरकार का नेता मंत्री बनाया जाए। ये नहीं कि गठबंधन करके कि मेरी इतनी सीट हो गई, मेरी इतनी सीट नहीं। जिसकी सीट मतलब पे वोटिंग ज़्यादा है उसी को सरकार बनाई जाए, उसकी सरकार बनाई जाए। भ्रष्टाचार की राजनीति नहीं चलेगी, बंद करो, बंद करो, विधायकों को खरीदना बंद करो, बंद करो, बंद करो, देश को लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। चौधरी जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। जोर तो की राजनीति नहीं चलेगी, भ्रष्टाचार की राजनीति नहीं चलेगी, बंद करो, बंद करो, विधायकों को खरीदना बंद करो, बंद करो, बंद करो, देश को लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। ये जो हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं और सत्य बहुमत पार्टी का प्रचार कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि सरकार जो है भ्रष्टाचार बंद करे। और भ्रष्टाचार का कारण, एकमात्र कारण है गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति। अभी जीता जागता उदाहरण आप देख सकते हैं बिहार के अंदर किस तरह से एक चल रही सरकार को इन लोगों ने गिरा दिया और एक नई सरकार का मात्र 15 से 16 महीने के भीतर में दोबारा सरकार मुख्यमंत्री बनाया है। जब आप मुख्यमंत्री थे ही तो दोबारा मुख्यमंत्री बनाने की क्या आवश्यकता थी। आप इस तरह से देश को लूटना बंद करिए, यही हमारी मांग है। सत्य बहुमत पार्टी इस गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति को चाहती है ख़त्म करे और गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति के ख़त्म होने के पश्चात सदस्यों के बहुमत को ख़त्म करके वोटों के बहुमत से सरकार चाहती है। इस विज़न को लेकर हम चांदनी चौक लोकसभा से हमारे पार्टी के प्रत्याशी हैं श्री सत्यदेव चौधरी, जिनका हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वही हमारा कहना है कि बिहार में सरकार गिर गई है तो ये लूट लूट खसोट जोड़ तोड़ खरीद फरोख का एक जीता जागता उदाहरण है। आप देख सकते हैं किस तरह से गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति अपना बड़ा रूप ले रही है। इसको ख़त्म करने के लिए आप सत्य बहुमत पार्टी के प्रत्याशी श्री सत्यदेव चौधरी जी को वोट दीजिए। आप क्या कहना चाह रहे हैं जिस तरीके हम ये कहना चाहते हैं कि देश बेचना, देश लूटना, देश बर्बाद करना ही सरकार का धर्म हो गया है और देश में ये ढोंग पाखंड अंधविश्वास फैला रही है। इसलिए इन्होंने वैसे तो राजनीति ने 75 साल में देश में सच्चाई, ईमानदारी और चरित्र को ख़त्म कर दिया है और चोर हटे तो डाकू आ गए। इसलिए सच्चे ईमानदार लोगों को ही जनता आगे लाए जिताए। और 180 आज सांसद ऐसे हैं लोकसभा में जिन पर आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं,
तो जब संसद में अपराधी और गुंडे चुनाव जीत कर जाएंगे तो देश का विनाश तय है। देश तेजी से गुलामी की तरफ धकेला जा रहा है। इन्होंने छोटे दुकानदारों के खिलाफ कानून बना दिया। विदेशी कंपनियां अब 100% निवेश कर सकती हैं। पहले ये विरोध करते थे, संसद भी नहीं चलने देते थे, लेकिन ये धोखेबाज पार्टी है। सभी वर्गों को इन्होंने धोखा दिया है, हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ा है। ये जो है ना, ना तो हिंदू से खतरा है देश को, ना मुसलमान से खतरा है देश को, इन देश बेचने वाले शैतान से खतरा है। अब तो ये लगातार सरकारें गिरा रहे हैं, बिहार की भी गिरा दी है गठबंधन, तो इनका काम ही है। अंबानी अडानी जैसे पूंजीपतियों की ये सरकार है, किसान मजदूरों का शासन लाओ, यही हमारा नारा है। हमारा देखिए उद्देश्य है कि आप गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति करेंगे तो उसमें आप देश में, इसमें देश का नुकसान होगा। ये ज्वलंत उदाहरण है, इसके पहले भी कई सरकारें तोड़ी गई, आपने देखा जैसे मध्य महाराष्ट्र की, मध्य प्रदेश की, फिर उसके बाद गोवा के अंदर, इसके बाद देखिए यहाँ पे ये खेल चल रहा है। तो ये गठबंधन की जो भ्रष्ट राजनीति है, वोटों के बहुमत से जब तक सरकार नहीं बनेगी, जब तक सत्य बहुमत पार्टी को लोग वोट नहीं देंगे, इस तरह से देश बर्बादी की तरफ जाएगा, देश अच्छे रास्ते पर नहीं जाएगा। तो हमारा कहना यही है कि गठबंधन की मतदाताओं के वोटों की सरकार होनी चाहिए, ना कि सदस्यों के वोटों की सरकार होनी चाहिए, यानी विधायकों सांसदों के वोटों की सरकार हमें नहीं चाहिए। ठीक है, चांदनी चौक इलाके में ये लोग मौजूद हैं हज मंजिल के सामने। हाँ ब्रिजेश जी, अभी साफ तौर पर गठबंधन की जो राजनीति है उसका उदाहरण सामने है, बिहार में नीतीश की सरकार जो है गिरा दी गई। ये जोड़ तोड़ की राजनीति जो है ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है, और इसमें क्या कोई सरकार स्थिर हो ही नहीं सकती। जब जोड़ तोड़ के ऑप्शन रहते हैं तो सरकार स्थिर नहीं हो सकती। जोड़ तोड़ के ऑप्शन क्यों होते हैं कि यहाँ जो है बहुमत विधायकों का जोड़ तोड़ से होता है, विधायकों की संख्या से होता है। बहुमत जबकि होना चाहिए जनता की संख्या से, कि जिसको जिस पार्टी को भी जनता ने ज़्यादा वोट दिया उसको पूरा मौका मिलना चाहिए एक बार सरकार फॉर्मेशन करने का। 5 साल तक वो सरकार चलाए, जनता उसको जज करेगी कि 5 साल बाद कैसा काम किया। अगर उसने सही काम किया तो जनता उसे लाएगी, और नहीं तो उसे नहीं लाएगी। बिहार में क्या हुआ, बिहार में जनता ने पहली बार राजद को पूरा वोट दिया, समर्थन दिया, सबसे बड़ी पार्टी बनी राजद, सबसे अधिक वोट उसे मिले। लेकिन नीतीश कुमार और भाजपा ने जोड़ तोड़ से सत्ता बना ली, सत्ता हथिया ली के बाद नीतीश कुमार को फिर से लगा भाजपा में हम सुरक्षित नहीं है, तो उन्होंने फिर से जोड़ तोड़ का हिसाब करके राजद में चले गए। राजद में कुछ दिनों बाद उन्हें फिर से लगा कि हमें तो यहाँ सुरक्षा नहीं है, हमें यहाँ कोई पूछ नहीं रहा, तो वापस जोड़ तोड़ करने वो भाजपा में चले गए। तो ये जोड़ तोड़ की राजनीति है, ये गठबंधन की राजनीति है, ये भ्रष्ट राजनीति जो है वो खरीद फरोख्त सारे भ्रष्टाचार और देश की सारी समस्याओं का जड़ है। इसी के विरोध में जो है ये पार्टी बनाएगी सत्य बहुमत। अगर सत्य बहुमत आता है तो यही चीजें खत्म होंगी ना। बिल्कुल, सत्य बहुमत का मतलब ये, सत्य बहुमत मतलब बहुमत जो है सत्य होना चाहिए, जनता का बहुमत होना चाहिए, जनता जिससे सबसे अधिक पसंद करे, सबसे अधिक जनता जिसे वोट दे, जिसके सबसे अधिक वोटों की संख्या उसकी सरकार बननी चाहिए, ना कि विधायकों की और सांसदों की संख्या। क्योंकि विधायक तो कोई एक वोट से भी जीत जाता है तो उसको तो मानते हो कि जीता हुआ है, लेकिन सरकार बनाने के लिए फिर एक फिक्स आंकड़ा होता है, 272 का आंकड़ा देश में, 273 का और 122 का आंकड़ा बिहार में, राज्यों में। तो ये जो आंकड़ों का खेल है, इस आंकड़ों का खेल और चालबाजी बंद होनी चाहिए, और देश में जनता को उनका हक मिलना चाहिए, देश में जनता को उनका वोट का महत्व होना चाहिए। क्या कहना चाहते हैं? मेरा ये कहना है कि जो व्यक्ति भ्रष्ट विधायकों, भ्रष्ट सांसदों के बहुमत से प्रधानमंत्री बना हो, मुख्यमंत्री बना हो, उससे आप एक अच्छी व्यवस्था की कैसे कामना कर सकते हैं? जो विधायक सांसद भ्रष्टाचार करता हो, लूट खसोट करता हो, और उसके समर्थन से आप अगर सरकार बनाते हैं तो आप ये कैसे सोच सकते हैं कि आपको एक अच्छी व्यवस्था मिलेगी? जब तक आप वो लोगों के वोटों के बहुमत का आंकड़ा नहीं फिट करेंगे, तब तक आप चाहें कि एक अच्छी व्यवस्था आपको मिल जाए तो आपको नहीं मिल पाएगी। कितने सफल हो रहे हैं आप यहाँ? हम पूरा सफल हैं, 1000% सफल हैं। चांदनी चौक की जनता अब की बार सत्य बहुमत पार्टी के प्रत्याशी श्री सत्यदेव चौधरी को जिताने जा रही है। ये हमारा दावा नहीं, विश्वास है। हमसे जनता कह रही है कि हम इस कार्य को कर रहे हैं, हम सत्य बहुमत पार्टी को अब की बार वोट देंगे। ये सत्य बहुमत पार्टी के जो है कार्यकर्ता हैं यहाँ पर चांदनी चौक में जो है ये प्रचार करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से गठबंधन राजनीति जो है मुक्त राजनीति की ये जो है आवाज़ उठा रहे हैं, और इनका विरोध यही है कि जो गठबंधन की राजनीति है उस पर जो है रोक लगनी चाहिए। ऐसा दड़ बदलू जो कानून है उसके ऊपर भी कोई ऐसा सरकार के अंदर कानून बनना चाहिए। लेकिन सबसे पहले तो ये है कि पब्लिक को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, कोई भी सरकार आ रही है सब अब राजनीति अपनी अपनी कर रहा है, पब्लिक को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, पब्लिक बहुत परेशान हो रही है। वैसे तो कह रहे हैं हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है, मगर कारोबार देखो तो लोग भागो, किसी के भी कारोबार नहीं है। मतलब ये है कहने का कि सरकार जो बननी चाहिए वो मिलीजुली बननी चाहिए, कोई किसी भी पार्टी का जो है एक का कानून नहीं चलेगा, कोई गलत ताकत
करता है कानून तो दूसरा रोक लेता है। और सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे पहले इलेक्शन होते थे बैलेट पेपर से, उसी से इलेक्शन कराए जाएँ। बैलेट पेपर का कोई भी मुद्दा नहीं उठा रही है, कोई पार्टी हारती है तो बाद में उस पर इल्ज़ाम लगाती है कि बैलेट पेपर पर क्यों नहीं कराए। तो पहले मुद्दा तो बैलेट पेपर का बनाया जाए, बैलेट पेपर का करें, बैलेट पेपर से कोई उससे दोबारा गिनती भी हो जाती थी। अगर कोई कह रहा बेईमानी हो रही है ईवीएम में, बेईमानी हो रही है ईवीएम मशीन में, तो बैलेट पेपर की तो दोबारा भी गिनती हो जाती थी। ईवीएम की दोबारा नहीं होती गिनती, ना पता चलता कि मैंने किस पे वोट डाला है या किस बंदे ने किस पे वोट डाला है। पहले पता चल जाता किस बंदे ने किस पे वोट डाला, उसका बैलेट पेपर निकल जाता था। अच्छा, इन अब इसमें ये भी कहना है इनका कि जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिले उसकी सरकार बननी चाहिए। हकीकत में सरकार उसी की बननी चाहिए, कोई भी पार्टी की सरकार हो या कोई भी सरकारी हो, किसी भी पार्टी से हो, जिसके वोट ज़्यादा हो उसको ही सरकार सौंपी जाए, उसी का नेता मंत्री बनाया जाए। ये नहीं कि गठबंधन करके कि मेरी इतनी सीट हो गई मेरी इतनी गई, नहीं, जिसकी सीट मतलब वोटिंग ज़्यादा है उसी को सरकार बनाई जाए, उसकी सरकार बनाई जाए, बस ये मतलब कहने का। ये जो गठबंधन की राजनीति होती किस तरह समझते हैं आप सियासत? ये तो गलत है, गठबंधन जो हो रहा है ये तो गलत है। और लिहाजा ये है राजनीति जो है वो गलत मिली जुली आनी चाहिए, उत्थान आएगा और पार्टी बन जाएगी तो जो जिसकी समस्याएं हैं वो सब पूरी हो जाएंगी। एक पार्टी अपनी मनमानी करती है, यह है इनका मकसद कहने का। जो चीज़ें हैं गठबंधन की पार्टी आएगी, जो हम भी टैक्स भरते हैं और लोग भी भरते हैं, मगर ये अपनी मनमानी करते हैं, किसको क्या परेशानी है। गठबंधन की तो राजनीति खत्म, हाँ ख़त्म होने चाहिए, ये ख़त्म होनी चाहिए ना इसकी, जिसको जो चाहिए वो उसको मिले। इनका वो जी सर ऐसा कुछ नहीं होगा, मोदी जी जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, अच्छी चीज़ कर रहा हूँ, हिंदुस्तान के अंदर कोई गलत बात नहीं करी है उन्होंने और जात धर्म से कोई मतभेद नहीं रख रहा है, हर चीज़ का तो इनका कोई मतलब नहीं है। तो देखो इनका तो कोई मतलब ही नहीं है, हम तो इन चीज़ों को मान नहीं रहे सर, हम मानते हैं मोदी जी को बस। इलेक्शन जो है वो किस तरीके से होना चाहिए? हम तो मोदी जी को समर्थन देंगे और किसी को नहीं देंगे। सर सत्य बहुमत एक पार्टी है जो कि गठबंधन राजनीतिक जो पार्टी है जो कर रही है उसका विरोध करती है, और यहाँ चांदनी चौक से हमारे साथी देव चौधरी जो हैं लड़ रहे हैं इस बार 2024 में फाइट कर रहे हैं, और अच्छा रुझान मिल रहा है जनताओं के प्रति कि आप गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति को विरोध आप कर रहे हैं, और जो अभी जो बिहार में जो देख रहे हैं नीतीश कुमार जो 17 महीने की राजनीति में उन्होंने फिर पलटी मार दिया, जैसे पलटू राम के नाम से जाना जाता है, गया राम आया राम गया राम। इसलिए हम चाहते हैं कि सत्य बहुमत पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि सत्य मतलब बहुमत के विकल्प की बात करती है और वोटों की राजनीति की बात करती है, जिस देश में सबसे ज़्यादा जिस पार्टी का वोट मिले सरकार उसकी गठन होनी चाहिए, और ताकि वो 5 साल तक टिकाऊ रहे और भ्रष्टाचार नहीं हो। इसलिए हम चाह रहे हैं कि हमारी पार्टी को आप समर्थन दीजिए, और हम लोग गली गली में प्रचार कर रहे हैं, कैंपेनिंग कर रहे हैं, लोग सवाल भी कर रहे हैं कि क्या केजरीवाल बीजेपी, पहले तो केजरीवाल भी आए बहुत सारे बात किए कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, आप पर हम विश्वास कैसे करेंगे? तो हम ये कह रहे हैं कि जब जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिलेगा तो हर कौम के लोग उसमें सपोर्ट करेंगे, तो उसमें भ्रष्टाचार हो ही नहीं सकता है, क्योंकि कोई एक व्यक्ति को आदमी खरीद नहीं सकता है ना। इसलिए यहाँ पर जनता सब आदमी मिलकर हम लोग कैंपेनिंग कर रहे हैं और सारे लोग हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं, और यही अच्छा है कि 2024 में जो आने वाला समय है चांदनी चौक की जनता का अपार समर्थन मिलने वाला है सत्य बहुमत पार्टी को।